हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए आज लाई हूँ एक वीडियो जिसमें मैं आपको बच्चों के कपड़ों का हॉल दिखाऊंगी। ऑनलाइन कपड़े ये सारे हैं, मैंने अपने बच्चों के लिए पर्सनली मैंने यूज़ किए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप लीजिए या ना लीजिए। तो ये पहला पीस है, मैंने फर्स्ट प्राइज़ लिया था, ये ऐसे बैग में मिला था मुझे। इसमें जो बैग मिला है इस पर हम पेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग हो सकती है। तो इसका बैग भी यूज़ मैं करूँगी, जब मैं करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। ये टाइप बैग है, इसको आप टाई भी कर सकते हैं, फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें जो कपड़ा है वो बहुत ही छोटा है, मेरी बिटिया के लिए है। ये पार्टी वियर ड्रेस है, वन पीस है, मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था। आप देख सकते हैं सीक्वेंस वर्क है, पूरा वन पीस ड्रेस है ये। इसकी स्लीव्स जो है सबसे अच्छी इसमें इसकी स्लीव्स ही मुझे लगी, ये स्लीव्स पर ये जो दो तीन प्लेट्स आती हैं ये मुझे बहुत अच्छी लगी। वो पहनने पर फूला फूला लुक आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और पीछे से ये इसमें बटन दी गई है, एक बटन बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए, ताकि गर्दन घुस सके अंदर। और अंदर से सबसे अच्छी बात इसमें लाइनिंग दी हुई है कि बच्चे को वो चुभेगा नहीं, जो सीक्वेंस वर्क है वो बच्चों को चुभेगा नहीं। तो ये कपड़ा मुझे पर्सनली पसंद आया अपने बच्चे के लिए, और वो पहनती भी है तो उसको चुभता भी नहीं है, तो लॉन्ग टाइम ये उसको पहन सकती है। और आज मैं, एक साल हो रहा है मुझे इसको लिए, मैंने इसको वॉश भी किया, इसके सीक्वेंस में, शाइनिंग में, किसी भी चीज़ में कोई कमी मुझे फील नहीं हुई। तो ये फर्स्ट पीस था मेरा जो कि इस बैग में मुझे रिसीव हुआ था फर्स्ट प्राइज से। सेकेंड पीस मैंने ये हॉप स्कॉच से लिया था अपनी डॉटर के लिए, ये फ्रॉक है। हॉप स्कॉच बच्चों की ही साइट है, उस पर बच्चों के ही कपड़े मिलते हैं, आप अगर ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने अक्सर अपने बच्चों के कपड़े हॉप स्कॉच से ही लिए हैं, बचपन से अभी तक तो मैं हॉप स्कॉच से ही पहनाई हूँ, लेकिन अब क्या है कि साइज़ नहीं अवेलेबल हो पाता तो मैं नहीं लेती। ये नीचे सेटिन का मटेरियल है जो कि मोटा है, काफ़ी थिक है, और ऊपर इसमें नेट है, और नेट भी इसमें दो है, एक है स्काई ब्लू में, ये एक है स्काई ब्लू में, और एक थोड़ा वायलेट कलर में, तो टू शेड आता है इसमें फ्रॉक में। ऊपर इसमें ये ऐसे पैच वर्क दिया हुआ है फ्लावर कटिंग का, बहुत ही अच्छा फ्रॉक है ये, और ये भी बहुत सॉफ्ट है, उसको चुभता नहीं है ये। अच्छा, मेरे बच्चों के साथ तो ये पर्सनली बहुत ज़्यादा इशू है, आप लोगों के बच्चों के साथ भी होगा कि उनको जो कपड़े चुभते हैं वो फिर पहन नहीं सकते, फिर वो कपड़े रखे रह जाते हैं, तो इसीलिए मैं कपड़ों को लेते टाइम ये चीज़ बहुत ध्यान देती हूँ, चुभता है कि नहीं। तो ये भी सॉफ्ट है, बच्चा पहन सकता है। ये पीछे से इसका वी नेक है, पीछे से ये वी नेक है, और आगे से राउंड नेक है। पीछे से ये पूरा प्लेन है, ये दो टाई करने के लिए इसमें रिबन दिए हुए हैं जो कि काफ़ी लॉन्ग है। ये फ्रॉक है, ये सेकेंड प्रोडक्ट जो कि हॉप स्कॉच से थे। ये भी मैंने कॉटन का लिया था, शर्ट है, हॉप स्कॉच से ही लिया था मैंने इसको, ये कॉटन का है, इसमें ये एम्ब्रॉयडरी हुई है, आप देख सकते हैं इसको, पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, शायद ही कैमरा इतना कैप्चर कर पाए, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको दिख जाए। और ये ओपन से ही पूरा ओपन हो, आगे से पूरा ओपन होता है, ये आगे से पूरा ओपन होता है, बटन इसकी अभी तो मैंने बंद कर रखी है ताकि आपको दिखा सकूँ, कॉलर बेस है, फुल स्लीव्स है, तो आप विंटर में या समर में चाहे जब पहना सकते हैं, और कॉटन है सबसे बढ़िया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भी मेरी बिटिया को बहुत पसंद है, जीन्स पर, शॉर्ट्स पर, आप चाहे जिस पर पहना सकते हैं, चाहे आप ओपन करके भी पहना सकते हैं अंदर कोई स्पेक्टी डालकर। थर्ड ये मैंने लिया था हॉप स्कॉच से, ये पैपलम टॉप है उसका, कॉटन ये भी है, सॉफ्ट है, इस पर ये एम्ब्रॉयडरी भी हुई है, और पीछे से इसमें बटन है ओपन करने के लिए, क्योंकि बच्चों में बहुत शॉर्ट नेक होता है, बच्चों में बहुत डीप नेक अच्छा नहीं लगता, तो सर घुसने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ओपन करने के लिए एक बटन, दो बटन, जितनी भी उनको उचित लगती है वो देते हैं। और इसकी भी जो स्लीव्स है ये फ्रिल वाली है, ये फ्रिल वाली स्लीव्स है। अच्छा, इस टॉप के साथ, ये पेंपलम टॉप था, इस टॉप के साथ मुझे ये शॉर्ट्स रिसीव हुआ वाइट, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ब्लैक एंड वाइट का,
अभी शॉर्ट्स के बारे में आपको बता देती हूँ। इसमें भी ये पॉकेट के पास एम्ब्रॉयडरी हुई है, दोनों पॉकेट के पास, और इलास्टिकेटेड है, लॉन्ग टाइम बच्चे पहन सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कपड़ों में बच्चों के ये प्रॉब्लम आ जाती है, कमर अगर साइज़ बढ़ गया तो नहीं होता, या आगे से हुक टूट गया या चेन फेल हो गई तो बच्चों में इशू आ जाता है। तो इलास्टिक रहता है सबसे बढ़िया, बच्चे लॉन्ग टाइम पहन सकते हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और ये शॉर्ट्स वाइट है, इसका टॉप ब्लैक है, तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, और कॉटन है तो आप इसको हॉपस्कॉच से ले सकते हैं। थर्ड मैंने ये, थर्ड नहीं फोर्थ है, फोर्थ मैंने ये हॉपस्कॉच से ही लिया था अपनी बिटिया के लिए। ये भी एक पार्टी वियर है, ये फ्लेयर काफ़ी है बच्चे के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से काफ़ी फ्लेयर है। अच्छा साइज़ इसमें आपको मिल जाएगा, आप शायद ना मिल पाए या आप ट्राई कर लीजिएगा। इसमें कलर भी थे, दो तीन कलर थे, ग्रीन था और ब्लू था उस टाइम पर जब मैंने ये लिया था। और इस पर ये नेक पर हल्की सी जरी वर्क है, मोती और बीट्स वगैरह इसमें लगाए गए हैं जरी करके, और इसके साथ स्लीव्स भी मिली थी जो कि मैंने अटैच नहीं करवाई क्योंकि बच्चों पर स्लीवलेस अच्छा लगता है। अच्छा इस फ्रॉक का या गाउन का, बच्चे का, आप जो भी समझें, एक सबसे बेस्ट पार्ट ये है, इसके साथ ये अटैच करने के लिए दुपट्टा मिला है जो कि बच्चे को संभालना नहीं है, बस इजली उसके कंधे पर रॉन्ग साइड करके, जैसे हम पर्स नहीं टांगते हैं तिरछी, वैसे ये तो फिलहाल मेरे सूट के साथ भी जा रहा है, हाँ, तो फिर उसको ऐसे ही करके टक कर देना है। अच्छा टक करने का सिस्टम इसमें, यहाँ पर ये इसमें टक करने के लिए ये सिस्टम दिया है, इस पर हम इसको बटन बंद कर देंगे, ये अभी मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन जब आप लेंगे आप इसको देखेंगे इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे करना है। फिलहाल ऐसे भी क्लियर हो ही रहा है, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये बच्चे की, बच्चे का हाथ इसमें जाएगा ये ऐसे, और ये कंधे पर यहाँ पर टक हो जाएगा, ये दुपट्टा ऐसे तिरछा रहेगा, तो बच्चे को संभालना भी नहीं है और बढ़िया से ये इस पर फिट रहेगा। फिलहाल चल रहा है तो अभी मैं लिए रहती हूँ। फिर अगला प्रोडक्ट है हमारा हॉपस्कॉच से ही टॉप, इसके साथ जीन्स भी था जो कि अभी मुझे मिल नहीं रहा है, जब मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बच्चों को तो बहुत ही कपड़े मिलते हैं। इसकी स्लीव्स नेक में है, उस पर ये लेस का पैच वर्क दिया हुआ है, और लास्ट में ये स्ट्रेचबल है, ये टॉप भी पूरा स्ट्रेचबल है, ये फैलता है तो लॉन्ग टाइम मेरी बिटिया इसको पहन पाएगी, और सबसे बढ़िया बात सॉफ्ट है। और इसमें भी ये देखिए एक ओपन करने के लिए बटन दी हुई है, सिंपल सा टॉप है। इसके साथ एक पैम्पलम जीन्स थी, उसमें भी मोती लगे हुए थे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। फिलहाल अभी जीन्स नहीं है तो इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँगा आपको। अगला ये मैंने नहीं, हॉपस्कॉच के सारे दिखा दूँ तब फिर नेक्स्ट आइटम पे जाते हैं। ये हॉपस्कॉच से मैंने कॉटन का सूट लिया था अपनी बिटिया के लिए, कॉटन है, इसमें पीछे नेक पर ये टाई करने के लिए सबसे बढ़िया बात ये डोरी दी हुई है, या आप उसके नेक के अकॉर्डिंग टाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चे के कपड़े में इतना बड़ा नेक दे रखे हैं, बच्चा पता नहीं संभाल पाएगा कि नहीं। फिलहाल मैं पहना के देख लूँगी। ये मैंने राखी के लिए लिया है, इस पर कॉटन का ये ग्रीन कपड़ा पैच करके गोटा पत्ती की लेस लगाई हुई है, स्लीव्स इसकी बेल स्लीव है, लेंथ आप इसकी देख सकते हैं, ओके है, और ये बहुत ही थिन है, बहुत मतलब मोटा कपड़ा नहीं है, बहुत ही थिन है, बहुत वाव तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन हाँ बच्चों के लिए अच्छा है कि थोड़े दिन पहले उसके बाद हटा दें, क्योंकि बच्चों के भी साइज़ बढ़ते रहते हैं, तो बहुत मजबूत कपड़ा लेके भी क्या करना है, छोटा पड़ जाता है। इसके साथ हमें ये धोती वाली सलवार रिसीव हुई है, जिसमें ये किनारे पूरा वही लेस दी हुई है जो सूट में लगी हुई थी, ये एंड तक दी हुई है ये, और किनारे ये ऐसी कटिंग है जो कि धोती वाला लुक आएगा, और इसमें भी वही बात है, इलास्टिकेटेड है तो बच्चा लंबे समय तक पहन सकता है आपका, ये बहुत ही अच्छा लगेगा उस कुर्ती के साथ, क्योंकि ये
फ्रॉक में है और ये धोती में है, तो ये बहुत ही अच्छा लुक आएगा इसका। अब हम चलते हैं अनदर साइड पे, तो चलते हैं मीशो पे। मीशो से मैंने ये कुर्ती ली थी, छोटी सी प्यारी सी। इसमें ये फॉइल मिरर है, ये पेपर मिरर होता है, ज़्यादा वॉश करने पर ये निकल जाता है, ये ज़्यादा वॉश करने पर निकल जाएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा आपको हार्डली ऐसे ऐसे करके नहीं धोना है, बस पानी में डिप करना है, सर्फ वाले पानी में डिप करके, ये शैम्पू या इजी आप जिसमें भी वॉश करना चाहें। और बस बच्चा है अगर, फिलहाल तो ऐसे कपड़े रोज़ पहने नहीं जाते, पार्टी वियर होते हैं तो इंसान कभी कभार पहनता है, बस इजली हल्का सा धो के इसको फैला देना है। और बहुत इसको निचोड़ना भी नहीं है, इसको आप ऐसे ऐसे करके निचोड़ें, क्योंकि इसका मिरर हो सकता है मुड़ के टूट जाए या रंगत इसकी चली जाए। तो ये ऐसे इसमें एक डोरी दी हुई है, दोनों साइड सेम ही है लगभग, बस टैग से क्लियर होगा कि आगे का कौन सा है पीछे का कौन सा है। इसके साथ हमें रिसीव हुआ है ये शरारा पैंट, बच्चों में सोचिए, ये इसमें बीच बीच में ये गोटा पत्ती की फ्लावर दिया हुआ है, और इसमें भी वही बात है, इलास्टिक वाला है, तो लंबे समय तक बिटिया मेरी पहन सकती है। लेकिन इसका एक निगेटिव पॉइंट ये है, मीशो से कोई कपड़ा लो और उसमें कोई कमी ना रहे, ऐसा मेरे साथ शायद ही कभी हुआ होगा। कोई ना कोई कमी तो कहीं ना कहीं से निकल ही आती है मीशो के कपड़ों में। इसकी ये चीज़ कम दी हुई है, ये चीज़, ये एरिया इसका कम है, क्योंकि जब मेरी बिटिया इसको पहनती है ना, तो उसको यहाँ पर चुभता है कपड़ा। तो उसने बताया कि मम्मा मेरे को ये टाइट होता है, लेंथ इसकी काफ़ी है, उसको नीचे तक पूरा घसीटता हुआ पूरा झाड़ू पोछा कर देता है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसका ये चीज़ कम होने के कारण पहनने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो वेस्ट है मेरे लिए, ये कोई मतलब नहीं बनता इसका। तो ये तो आपका मन हो तो आप लीजिए, फिलहाल मीशो पर चीज़ें सस्ती बहुत है, सस्ते में आप और क्या उम्मीद करेंगे, जो भी मिल रहा है वही सही, पैसे के हिसाब से ही सामान भी होता है। ये दोनों के साथ एक ये दुपट्टा भी रिसीव हुआ है, जो कि बहुत चौड़ा नहीं है, बच्चे के लिए तो ठीक ही है, बच्चों को क्या करना है दुपट्टे का। और इसमें किनारे ये टेसल्स दी हुई है, जिसमें वही फॉइल मिरर का ही काम है जो कुर्ती में कपड़ा यूज़ हुआ है, वही इसमें भी यूज़ हुआ है। ये दुपट्टा है, ये तीन का सेट था, बहुत ही सस्ता था, आप मीशो पर चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और मीशो से मैंने लिया था ये शॉर्ट स्कर्ट है, आगे से ये ओपनेबल है, इसकी सारी बटन आप खोल सकते हैं, ये सारी बटन खोल सकते हैं, लेकिन ये स्कर्ट है तो खोल के तो रहना नहीं है। और पीछे इसमें इलास्टिक दी हुई है, आगे इसमें प्लेन पैटर्न है, क्योंकि स्कर्ट है तो थोड़ा फूला फूला लुक आ जाएगा आगे से, क्योंकि शॉर्ट स्कर्ट में फ्लैट लुक ही अच्छा लगता है। तो ये स्कर्ट है, इसमें पीछे दो पॉकेट है, पॉकेट शायद आपको दिख रही हो कि ना दिख रही हो, ये, और इसमें आगे भी पॉकेट है, ये आगे भी इसमें पॉकेट है, दो पॉकेट आगे है, दो पॉकेट पीछे है, ये इसकी स्कर्ट हो गई। और इसके साथ जो हमें टॉप मिला है, वो टॉप नहीं कह सकते हम, जैकेट है। इसके अंदर बच्चे को कोई स्पेगडी या ट्यूब टॉप डालना पड़ेगा, ये जैकेट है, जो कि डेनिम जैकेट जैसे आती है उसी तरह की है, लेकिन डेनिम ये स्टफ डेनिम नहीं है, ये आप कह सकते हैं कॉर्डरॉय का कपड़ा, या पता नहीं ज़्यादा कपड़ों के बारे में बता नहीं सकती, पता लगे मैं कोई भी कपड़ा बता दूँ आप लोग कहोगे ये तो वो कपड़ा नहीं था, दूसरा कपड़ा था, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता सकती। लेकिन मुझे जितना मालूम है ये कॉर्डरॉय का कपड़ा मुझे लग रहा है। इसकी ये फुल स्लीव्स है, ठंडी के लिए ये बढ़िया है, लेकिन शॉर्ट स्कर्ट के नीचे आपको कोई ना कोई इनर डालनी पड़ेगी बच्चे को, नहीं तो ठंड लगेगी। और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है, मुझे ये लगा ये नीचे इलास्टिक देने का क्या मतलब, इसको जब बिटिया मेरी पहनती है ना, तो ये बंद करने के बाद ये पेट पर उसके ऐसे चढ़ जाता है, ऐसे चढ़ा चढ़ा, तो वो बीच का जो गैप है वो नहीं अच्छा लगता। बाकी ठीक है, रेंज के अकॉर्डिंग मीशो पर कोई ना कोई शिकायत आपको बनी रहेगी, जैसे मैंने पहले भी बताया। ये टॉप भी मैंने मीशो से लिया था, दुपट्टा मेरे काम आ रहा है। ये टॉप मैंने उसके लिए लिया था मीशो से, जो कि बहुत अच्छा है। इसमें भी एक खास बात ये है कि ये चुभता नहीं है, इसमें अंदर से ये देखिए डबल लाइनिंग है और बहुत मोटा है, ठीक है, तो ये गर्मी में तो बच्चा नहीं पहन सकता,
हाँ लेकिन ठंडी के लिए बहुत बढ़िया है, आगे और पीछे सेम है। स्लीव्स इसकी ऐसे डबल बेल स्लीव है जो कि प्लेन है, और ये शॉर्ट टॉप है, क्रॉप टॉप है। तो ये स्कर्ट पर या जीन्स पर जिस पे भी आपके बच्चे को पसंद हो, अगर आपको पसंद आएगा तभी आपका बच्चा पहनेगा, तो अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। सीक्वेंस है, चुभने वाला कोई झंझट नहीं है क्योंकि अंदर से इनर लगा हुआ है। और इसके भी हम टैग से ही क्लियर करेंगे कि आगे कौन सा पार्ट रहेगा, पीछे कौन सा पार्ट रहेगा। मीशो के प्रोडक्ट एक बचा है, ये मैंने टॉप लिए थे, लिया तो मैंने बड़ी बेटी के लिए था अपनी, लेकिन निकला ये छोटी बेटी के नाम का। ये सारे टॉप आप पहचान रहे होंगे कैसा कपड़ा है, ये लाइनिंग है इसमें, और ये स्ट्रेचबल है, फैलता है ये। दिक्कत ये है कि साइज में, लंबाई में ये शॉर्ट है उसको, बाकी तो स्ट्रेचबल था, वो पहन सकती थी, लेकिन मैंने सोचा चलो छोटी बेटी मैंने की। तो इसमें के मैंने 3 कलर लिए, रेड है, इमेज में ये ऑरेंज दिख रहा था लेकिन निकला ये रेड। मीशो पे लोचा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ये है धानी और ये है वॉयलेट कलर, ये 3 कलर मैंने सेम टॉप सेम, एक्चुअली ये 3 का कॉम्बो है, तो ये मैंने तीनों साथ में लिया था। गर्मी के लिए बढ़िया है, हाफ स्लीव्स है तो बच्चे पहन सकते हैं, और सॉफ्ट भी है, काफ़ी सॉफ्ट है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ बेटी के ही कपड़े लेती हैं, बेटे के नहीं, तो मैं बेटे का भी दिखा दूँ, शिकायत न रहे। ये कुर्ते के साथ जैकेट है जो कि मैंने लिया था फर्स्ट क्राई से, और ये भी कॉटन है, चाहे जितना वॉश करेंगे आप, शाइन का कोई इशू नहीं, प्रिंट का कोई इशू नहीं। मैं 2-3 बार वॉश कर चुकी हूँ तब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये पॉकेट बस शो के लिए है, इसमें कुछ रख नहीं सकते। और ये येलो बटन से इसको हाईलाइट किया गया है, इसको सदरी बोल सकते हैं या वेस्ट कोट बोल सकते हैं। ये कुर्ते के ऊपर का है, कुर्ता इसका येलो है, प्लेन कुर्ता है पूरा, जैसे कुर्ते होते हैं वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। बस इसकी कोटी से ही इस पर जो बात आती है वो आती है। और वाइट इसका पजामा है, पजामा भी देखिए वहीं फिर से अगेन इलास्टिकेटेड। तो ये 3 का सेट था, फर्स्ट क्राई से मैंने लिया था, फेस्टिव वियर है, रक्षाबंधन आ रहा है तो आप पहना सकते हैं मेरे बच्चे को। कोट पैंट ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से या हॉपस्कॉच से, नहीं हॉपस्कॉच से लिया था। ये पैंट रिसीव हुआ था मुझे जो कि इलास्टिकेट, क्योंकि कोट पैंट में आपको कभी भी इलास्टिकेटेड नहीं मिलेगा, वो जो होता नहीं आगे हुक वाला वैसा मिलेगा, लेकिन ये इलास्टिकेटेड है क्योंकि जो मेरा बेटा है उसकी कमर बहुत पतली है, तो उसको जल्दी कोई पैंट फिट नहीं आती, लेंथ में आएगी तो कमर में नहीं, कमर में आएगी तो लेंथ में नहीं, तो मुझे ऐसे देखने पड़ते हैं उसके लिए। तो इलास्टिकेटेड है तो बढ़िया है, वो पहन लेता है, उसको हुक का कोई दिक्कत नहीं है, कमर की कोई इशू नहीं, लेंथ की कोई इशू नहीं। लेंथ इसकी लंबी थी लेकिन मैंने कटवा के इसको टेलर से अल्टर कराया, और इसके साथ मुझे ये कोट रिसीव हुआ था। कोट पर ये 2 बटन है और एक पॉकेट है नीचे, जैसा कोट होता है वैसा ही है। फुल स्लीव्स है, स्लीव्स पर भी ये 3 बटन है शो के लिए। इसके साथ मुझे कोई शर्ट रिसीव नहीं हुआ है, तो ये कोट और पैंट मुझे रिसीव हुआ था हॉपस्कॉच से। तो ये सब मेरे बच्चों के कपड़े थे, आपको अगर लेने हो तो हॉपस्कॉच, मीशो, आप जिस भी साइड से आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। ये टी शर्ट मैंने शॉपसी से ली थी, शॉपसी पर उस समय सेल चल रही थी, तो बहुत ही सस्ते टी शर्ट जैसे लखनऊ के अमीना बाज़ार में मिलते हैं 100 के 200 के वैसे, तो ये मुझे शॉपसी से मिल गई थी। इसमें मुझे इसकी स्लीव बहुत पसंद आई थी इसलिए मैंने इसको लिया, और वाइट और ब्लैक कपड़े तो वैसे भी बहुत पसंद आते हैं मुझे, तो ये वाइट में था। मैंने अपनी बिटिया के लिए ये प्लेन टॉप लिया था, टी शर्ट कह सकते हैं आप इसको। और ये पैंट मैंने मीशो से ली थी शॉर्ट्स, ये स्कर्ट की तरह दिखता है लेकिन ये शॉर्ट्स है, और ये बहुत ही अच्छा निकला, मिंत्रा से आप ले सकते हैं। किनारे से इसका लुक ऐसा आता है, ये देखने में स्कर्ट लगता है लेकिन ये है शॉर्ट्स, बहुत ही अच्छा है। मिंत्रा से लिया था मैंने इसको, इसी के साथ मैंने मिंत्रा से एक और शॉर्ट्स लिया था, ये
लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आप लेना चाहें रंग देखकर या डिज़ाइन देखकर, तो आप, फिलहाल तो मैंने भी लिया था यही सब सोच के, मुझे ये अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन इसका बस एक निगेटिव इशू ये था कि ये धोने पर इसका कलर हर बार निकलता है, हर बार इसका कलर डल होता है। तो ये डल होते होते ऐसा बचा है, धीरे धीरे कैसा बचेगा नाम ही जाने। तो ये शॉर्ट्स मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, बाकी इसमें से सारे कपड़े आप ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने बच्चों के लिए इनमें से जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने यूज़ किया है तो मैं आपको इसलिए सजेस्ट करूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी। धन्यवाद, थैंक यू।